चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है कि लोग सोचने को मजबूर हो गए। प्रवेश बिहार में शुक्रवार रात एक घर के परिसर में बने मंदिर से चोर लड्डू गोपाल की मूर्ति और अन्य सामान चोरी कर ले गए। लड्डू गोपाल के चोरी हो जाने के बाद से परिवार में बेहद दुखी का माहौल था। रविवार को पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लड्डू गोपाल को बरामद करने का दावा किया। इस मामले में उस समय नया मोड़ तब आया जब महिला ने कह दिया कि पुलिस उसे गुमराह कर रही है। महिला ने कहा कि जिस लड्डू गोपाल की पुलिस बरामदगी की बात कह रही है वो उसकी है ही नहीं, पुलिस ने फर्जी खुलासा किया है। जब मंदिर से लड्डू गोपाल की मूर्ति चोरी होने की खबर लोगों में पहुंची तब लोगों में हड़कंप मच गया। गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और लड्डू गोपाल को जल्द से जल्द ढूंढकर मंदिर में स्थापित करने को कहा। गुस्साए लोगों ने ये भी कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और गुनहगारों को पकड़ा जाए। जी जिनकी मैं सेवा कर रही थी राधा अष्टमी के लिए, मैं फूल खरीदने गई मंडी में 6 बजे 6:15 बजे लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए। सीसी फुटेज मेरे मंदिर में लगी हुई है, उसमें सारा कुछ आया। 9 बजे मुझे पता लगी किसी भक्त ने तुम्हारे लड्डू गोपाल जी कहाँ है, तो पता लगी मेरे लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए। हमने सीसी कैमरे में फिर चेक करा तो जैसे लगा रहे पूरी वीडियो है। हमने रिपोर्ट करी, पुलिस वाले आए, कल भी आए मेरे पास, वो लिखवा के लेके गए सारा। उसके बाद हमें आश्वासन दे के गए 4 बजे तक तुम्हारे लड्डू तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। हैं, हमने 4:30 बजे फोन करा, कह रहे कार्रवाई चल रही है। 8:30 बजे हम चौकी पे गए, हमें भगा दिया। सुबह आके मालूम करना कार्रवाई चल रही है।